नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किस प्रकार से अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी आधार सेंटर पर जाए हुए। तो आप किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको आसानी होगा अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना, वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, और यहाँ पर देख सकते हैं एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको सिंपली करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ से सर्च करना है पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो ये लिखने के बाद आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ एक एप्लीकेशन आ जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप में थोड़ा देर वेट करने के लिए इसमें समय मांगेंगे, इस पर आपको क्लिक करके एक दो सेकेंड इसमें वेट करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपना यहाँ पर नाम भरना रहता है, तो नाम भर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको एक एड्रेस भरना है, एड्रेस आप यहाँ पर कंप्लीट देंगे ताकि आपका जो पोस्टमैन है वो आपके घर पर आसानी से पहुँच जाए, उसको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक पिन कोड डालना है, जो आपका पिन कोड है एरिया पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है आपको, ईमेल आईडी जो एक्टिवेट होगा वही डालिएगा, नहीं तो इसमें आपको यहाँ पर आपका जो पोस्टमैन है उसको आने में दिक्कत हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे नीचे से एक ऊपर में यहाँ पर है IPPB आधार सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल आना है, उसके बाद फिर से एक सिलेक्ट का ऑप्शन आपको आ रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे नीचे में UIDAI मोबाइल ईमेल टू आधार लिंकेड अपडेट, यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कीजिएगा। रिक्वेस्ट OTP पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको दर्ज करना रहता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका जो डाकिया होता है वो आपको खुद से संपर्क कर लेगा, और आपके घर पे आके आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका लिंक कर देगा। अगर नहीं लिंक करता है, अगर आपका जो ये आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, अगर डाकिया आपके घर पे नहीं आता है, तो सिंपली आपको करना क्या है, बैक आ जाना है। तो चलिए बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको करना क्या है, डाकिया के खिलाफ यहाँ पर एक कंप्लेन आपको डाल देना है। ये कंप्लेंट डालने के बाद जो है आपका पोस्टमैन जो है वो आपके घर पे 100% आएगा, और आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करके जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आज के वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं।